के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप लोगों को पता होगा जब हमारे देश में संविधान बनी उस समय इस देश पर किसी और की क्या थी, शासन थी, अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेजों ने हम भारतीयों को एक चैलेंज दिया था कि आप लोग हमसे बेहतर शासन खुद नहीं कर सकते हैं, अपने भारत पर आप लोग कुछ शासन नहीं कर सकते हैं। किसको कहा? हमारे फ्रीडम फाइटर को। किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये तो हम लोग आप लोगों को आजाद कर देंगे, आप लोग खुद उस योग्य नहीं है कि आप लोग शासन कर सके। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर ने कहा कि नहीं, हम लोग योग्य है, हम लोग जैसे भी है हम लोग क्या करेंगे, अपना शासन खुद करेंगे। यानी कई बार मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर ने कहा कि हम लोग अपना शासन खुद करेंगे, कई तरह के आंदोलन किए। तो अंग्रेजों ने 1926-27 में एक चैलेंज दिया कि आप लोग एक बेहतरीन संविधान बना के दिखाइए। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना टाइप का क्या किया, बना के दिया, जिनको अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दिया। और हालांकि हम लोगों ने, हमारे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने चैलेंज कबूल किया कि हम लोग संविधान बनाएंगे। तो आप लोगों को पता होगा जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो अलग अलग समय में क्या करते थे, एक्ट लाते थे, है ना, अधिनियम लाते थे। जैसे सबसे पहला अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम 1858 आया। उससे भी पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। समय समय पर अंग्रेज क्या करते थे, कानून लागू करते थे, है ना। वो किसी ना किसी लिखित रूप में होते थे जो हमारे भारतीयों को भारत के ऊपर शासन करने के लिए ये नियम लाते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, जब इस संविधान को बनाया, अपनी संविधान, मेरी संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर, ठीक है। तो इस संविधान सभा में एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें कुछ लोगों को, लगभग 279 लोगों को रखा गया था। और ये लोग क्या करते थे, संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई। तो हमारे जो संविधान निर्माण में जो भी मेंबर थे वो सारी दुनिया के संविधान को क्या किया, खंगाला, पढ़ा, है ना। जितने भी देश के संविधान है सबके संविधान को, नियमों को पढ़ा, तब जाकर इस संविधान को, हमारे भारतीय संविधान को एक नया रूप दिया। इसमें पूरी दुनिया के संविधान को तो देखा ही, साथ ही साथ जितने भी अंग्रेजों ने अधिनियम लाए थे हमारे देश के ऊपर शासन करने के लिए, उनको भी देखा कि कौन सी अच्छी चीजें हैं। तो खासकर 1935 के जो भारत शासन अधिनियम थे उसका ज्यादातर हिस्सा हमारे संविधान में शामिल किया गया। और रूस का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, आयरलैंड का संविधान, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ भी लोकतंत्र है उसके संविधान को पढ़ा। और जहाँ जहाँ की चीज़ें हम लोगों को लगा कि ये अच्छा है तो अपने संविधान में हम लोग शामिल किए, तभी ना जाकर इतना हमारा संविधान महान बना। आज हमारा देश का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे महान है। तो उस संविधान को, कोई भी किताब को पढ़ने से पहले उसका जो कंटेंट होता है, ऊपरी का हिस्सा ही जो होता है, जो उसको पढ़ कर पता चल जाए कि इस किताब के अंदर क्या है, रहता है ना, ऊपर में ही लिख दिया जाता है, कंटेंट रहता है ना। जैसे ये किताब है तो इस किताब में क्या है, विषय सूची है, है ना, कंटेंट है, या इसकी भूमिका जो होती है ना। तो इसकी भूमिका को ही पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये संविधान किस, ये बुक में क्या मिलेगा हमको, है ना। तो यही भारतीय संविधान की भूमिका से पहले भारत की एक क्या है, संविधान की प्रस्तावना है ना, जो जिसको पढ़ने के बाद हमारा पता चलेगा कि हमारे संविधान का नेचर कैसा है, हमारा संविधान कहना क्या चाहता है, हमारे संविधान में किस तरह के विचारों को शामिल किया गया है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको संविधान की प्रस्तावना को जानना होगा। संविधान की प्रस्तावना ही देखकर हमारे संविधान का नेचर पता चलेगा। इस संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की क्या बोला गया है, कुंजी, क्या बोला गया है, कुंजी। किसी ने इस संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है, क्या कहा है, आत्मा।
आत्मा। याद रखिएगा भारतीय संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? आत्मा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अब भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना, याद रहेगा? आइए हम अपनी इस खूबसूरत संविधान के प्रस्तावना को पढ़े, है ना। देखिए इसमें कह रहा है हम का मतलब हम का मतलब भारत के जितने भी लोग हैं। संविधान कह रहा है किससे? भारत के जितने लोग हैं उसको मुखातिब करके कह रहा है कि हम मतलब भारत, हम में मतलब स्त्री पुरुष महिला बच्चे बूढ़े जवान जितने हैं सभी भारतीयों को संबोधित करके कह रहा है हम भारत के लोग, है ना। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि अब हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है। जब ये संविधान बन रहा था तो किसका शासन था? अंग्रेजों का। यानी हम किसी और के अधीन थे। कौन? हम भारत के लोग, भारत माता या भारत देश किसके अधीन थी? अंग्रेजों। जब ये बन रहा था तो हम लोग इस संविधान की प्रस्तावना में लिख रहे हैं कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पूरी तरह से अब हम लोग सेल्फ डिपेंड है, अब हमारे हम किसी के अधीन नहीं है, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और क्या कह रहा है? समाजवादी का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करे, है ना, जिसमें लोग डायरेक्ट क्या हो, डायरेक्ट लोगों को फायदा हो, है ना। वो जैसे जितने भी सार्वजनिक चीजें होती है वो क्या होती है? समाजवादी होती है, लोक कल्याणकारी होती है। तो हमारा देश का जो सिस्टम है अब क्या हो गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हम खुद सेल्फ डिपेंड है, किसी से किसी के अंडर में नहीं है, हम लोग आजाद है। क्योंकि हम लोगों को आजादी भी मिलनी थी उसी वक्त, 1947 में आजादी मिल चुकी थी, 1949 की बात है ना, हम लोग आजाद हो चुके हैं। और हमारा देश का जो सब ऐसी है नियम कानून है वो समाजवादी होगा। और क्या होगा? धर्म निरपेक्ष, यानी हमारे देश का भारतीय संविधान का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो सारे धर्मों को एक समान नजर से देखेगा और उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। यानी सभी उसके लिए, सभी धर्म को मानने वाले सभी उनके लिए क्या है? एक समान है, है ना। वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए हमारे भारत में, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई ईश्वर को मानने वाला है, कोई नहीं मानने वाला है, है ना, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, हर तरह के। अपनी देश की खूबसूरती क्या है कि इस देश में हर तरह के लोग हैं, यानी अनेकता में एकता की बात की गई है ना। हमारा देश कैसा है? अनेकता में एकता वाला है, है ना। हर तरह की खूबसूरती यहाँ पे है, ऐसी खूबसूरती किसी और देश में नहीं है, इसलिए हमारा देश क्या है? महान है, है ना। तो हमारे देश के संविधान किस तरह का है? धर्म निरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को नहीं प्रमोट करेगा, उसके लिए सभी धर्म एक समान है, अपने भारत का कोई स्पेशल धर्म नहीं है, है ना। हमारा देश कैसा है? धर्म निरपेक्ष, इस देश का कोई धर्म नहीं है, है ना। सभी धर्मों को वो एक नजर से देखेगा और किसी धर्म को फायदा नहीं पहुंचाएगा, किसी धर्म को अपने जो भी काम करेगा वो सभी के लिए एक समान होगा, है ना। समझ में आ रहा है? धर्म निरपेक्ष। उसके बाद कह रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या हुआ? ऐसा सिस्टम जिसमें इस देश के शासन व्यवस्था को कौन चलाएगा? लोग चलाएंगे। हम लोग मालिक है, जनता क्या है? मालिक है। और हम लोग जनता अपने ऊपर कौन शासन करेगा इसकी व्यवस्था कौन करता है? लोग करते हैं, लोग ही चुनते हैं, है ना। लोकतंत्र में दो तरह की वोटिंग होती है, एक डायरेक्ट वोटिंग, एक इनडायरेक्ट वोटिंग। या तो हम अपने जो सरकार बनाते हैं वो दो तरीके से बनाते हैं, या तो डायरेक्ट वोटिंग के जरिए या इनडायरेक्ट। जैसे हम लोग वोट देते हैं, आप लोग तो नहीं दिए होंगे, लेकिन आपके माता पिता या गुरु या आपके रिलेटिव जो भी हैं 18 साल के ऊपर हो गए हैं वो लोग वोट देते हैं। जैसे मुखिया का इलेक्शन, विधायक का, एमपी का,
ये आपके घर वाले डायरेक्ट जाके वोट देते हैं और वो लोग क्या बनते हैं, मंत्री विधायक या जो भी बनना है, मुखिया के हैं तो मुखिया बनते हैं, एमपी के हैं तो एमपी बनते हैं। और एक ऐसा भी व्यवस्था है जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी एमपी एमएलए मुखिया वार्ड के सदस्य ये जितने लोग हैं ये सारे हम जो जिनको हम चुनते हैं ये लोग भी एक वोट देकर क्या बनाते हैं, वोट देकर एक ऐसी प्रतिनिधि चुनते हैं जो मिलजुल कर क्या करते हैं, सरकार में भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे हमारे बिहार में दो तरह की व्यवस्था है, एक विधानसभा है ना जिसमें एमएलए बैठते हैं, एक विधान परिषद है जिसमें एमएलसी बैठते हैं, है ना। समझाने के लिए बता रहे हैं, एमएलए को डायरेक्ट हम लोग वोटिंग देते हैं, है ना, और एमएलसी की वोटिंग कौन करते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी इस एमएलए को विधायक मुखिया ठीक है सरपंच वगैरह ये सब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को मिलकर कौन चुनते हैं, को एमएलसी को चुनते हैं, है ना, यानी हम इनको डायरेक्ट वोट देते हैं, डायरेक्ट वोट दिए और ये हमारे वोट का इस्तेमाल करके ये इनको वोट दिए, यानी ये इनडायरेक्ट वोट से पाए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों व्यवस्था है। तो हमारा संविधान में क्या कहा गया है, धर्म निरपेक्ष होने के साथ साथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, यानी इस देश के मालिक जनता होगी, यानी हमारे देश में लोकतंत्र बहाल होगा। और लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन होता है, है ना। तो उसके साथ साथ क्या कर आगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को मतलब सभी नागरिकों को, है ना, क्या उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पे न्याय छुटा हुआ है ठीक है, यानी कितने तरह की न्याय की बात कही गई है, तीन, कौन कौन, सामाजिक। सामाजिक का मतलब क्या होता है, समाज में सभी लोगों को एक नजर से देखा जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए एक तरह का कानून बनेगा। और साथ ही साथ आर्थिक न्याय की भी बात की गई है। आर्थिक न्याय का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सरकार की योजना आती है उसमें सभी को एक समान नजर से देखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी योजना आ रही है तो वो सबके लिए होता है, उसमें ऐसा थोड़े रहता है कि इस योजना में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, सिर्फ ईसाई रहेंगे, सिर्फ वो सभी के लिए आता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए होता है, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब कि यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी पंथ से हो, चाहे कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, राजनीतिक वो क्या कर सकते हैं, न्याय पा सकते हैं। आप चाहेंगे ये आप अगर योग्यता पूरी करते हैं 18 साल या 25 साल की योग्यता पूरी करते हैं तो कोई भी चाहेगा कि हम मुखिया का चुनाव लड़े तो लड़ सकता है, किसी को रोक नहीं है, है ना। भले हार जीत अलग बात है, आप चाहे विधायक का चुनाव योग्यता पूरी करते हैं तो लड़ सकते हैं, है ना, चाहे नौकरी में समान अवसर मिलेगा आपको, है ना ठीक है। कोई भी ऐसा थोड़े है कि नहीं आप नहीं भर सकते हैं, सभी को नौकरी पाने का अधिकार है, सभी को रेलवे में सफर करने का अधिकार है, किसी को रोका गया है, नहीं रोका गया है। यानी हमारे देश के संविधान में और संविधान के प्रस्तावना में ही तीन तरह की न्याय की बात कर दी गई है, और उन तीनों तरह के न्याय में सारा न्याय आ जाता है, यानी सामाजिक न्याय मिलेगा, समाज में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा, है ना, तीन तरह की न्याय याद रहेगा। और आगे कह रहा है कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, देखिए विचार, यानी आप अपने विचार को शांतिपूर्वक रख सकते हैं, है ना, विचार को रख सकते हैं, अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह को तक फैला सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, विश्वास, अपने विश्वास यानी आपके जो बिलीफ्स हैं, आपकी जो मान्यता है, आप अपनी मान्यताओं को दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं, अपने विश्वास के साथ क्या कर सकते हैं, अपने विश्वास को फैला सकते हैं, अपने धर्म का पालन भी कर सकते हैं,
मान लीजिए आपको कोई आपके धर्म से जबरदस्ती रोकेगा नहीं, आप जिस धर्म को माने चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुए हो और उस धर्म को छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, या फिर किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये अधिकार किसने दिया है? संविधान की प्रस्तावना में ही कह दी गई है ना, यानी धर्म का क्या है, आपको स्वतंत्रता है और उपासना यानी पूजा पाठ का भी आपको पूरा छूट है कि आप अपने धर्म का पालन करिए और पूजा पाठ कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो कितने तरह की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पांच तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, याद रहेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पांच तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, याद रहेगा। न्याय तीन तरह की और स्वतंत्रता, और आगे देखिए समता की बात, समानता कितने तरह की समानता दी गई है? प्रतिष्ठा और औसत, यानी आप दो तरह की, यानी आप औसत कोई भी चीज में औसत आपको सभी जगह एक समान मिलेगा, यानी आप नौकरी में औसत चाहते हैं, नौकरी आपके लिए आप अपनी योग्यता को साबित कीजिए और आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, और आप जहां भी जाना चाहते हैं आपको सभी, जिस तरह भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर जो मिला है वो आपको भी मिलेगा, यानी सभी के लिए किसी भी चीज में समान अवसर है, है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। जैसे पहले हुआ करता था हमारे देश में कि जो जब जाति व्यवस्था ज्यादा चरम पर थी तो भेदभाव किया जाता था, है ना, छुआछूत था, है ना, अब वो छुआछूत को खत्म कर दिया गया है ना, आपको हर जगह समान अवसर मिलेगा और प्रतिष्ठा, आपकी भी डिजिनिटी को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, आपके भी वोट का उतना ही अधिकार है जितना अमीर का है, जितना गरीब का है, है ना। तो इस बात समझ में आ रही है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई। समता कितने तरह की है? दो, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, अब आगे देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, यानी कोई भी आप अपने आपके गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, तभी ना हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके को कोई गाली दे दिया, ठीक है, तो आप लोग केस कर सकते हैं मानहानि कि यार हमारे ये गरिमा को ठेस पहुंचाया है, हमको इतना पैसा मुआवजा दिया जाए हमारे, तब जाके हमारी गरिमा मेंटेन होगी। ठीक है, लोग करते हैं केस करते हैं मानहानि का, है ना। आप बोल रहा है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, सबसे बड़ी बात है क्या, राष्ट्र की एकता इस देश में, क्योंकि ये देश विभिन्नताओं में एकता की बात करता है, मतलब कई तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भगवान को उपासना करने वाले लोग हैं, कोई शिव भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई ईश्वर को पूछता है, कोई अल्लाह को पूछता है, कोई शंकर भगवान को पूछता है, कोई नहीं पूछता है, कोई भगवान बुद्ध को पूछता है, क्योंकि अनेक एक विभिन्नता है, तो उस अनेकता में भी एकता को बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए, ताकि अपना देश क्या हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, अपने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए, यानी एकता बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी एक बनाए रखने की जो दृढ़ता है उसको, अखंडता मतलब क्या हो, जिसको खंडित नहीं किया जाए, एक बना रहे, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब देश में भाईचारगी बढ़ाया जाए और हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को एक बनाए रखा जाए, इस तरह की दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यानी एकदम दृढ़ निश्चय के साथ अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, मतलब हम लोग उस दिन क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, हम लोग प्रेयर में क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग प्रस्तावना नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप लोग याद कर लीजिए, कुछ दिनों के बाद से मैं इसको डेली पढ़ाऊंगा, है ना, है ना। तो ये हमारे संविधान सभा में 26 नवंबर को क्या सभी लोग खड़े होकर क्या कर रहे हैं, शपथ ले रहे थे कि कह रहे हैं
कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी ये जिस दिन लागू हो रहा था वो कौन सा दिन था 26 नवंबर 1949 है ना, ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है ना। और उस तरह उस दिन भारतीय कैलेंडर जो हिंदू धर्म का जो हिंदी कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार कौन सा तारीख था मिती मार शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 है ना, 2006 था 78 लगभग कितना आगे चल रहा है 57 साल आगे चलता है ये वाला विक्रमी संवत है ना। वो एकता द्वारा यानी वो एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत मतलब पूरी तरीका से क्या करना, अपन जैसे कपड़ा हम लोग अंगीकृत करते हैं खूब बढ़िया से धारण करते हैं ना, इस संविधान को हम लोग क्या कर अंगीकृत कर रहे हैं यानी पूरी तरह से तन और मन से क्या करना अंगीकृत अधिनियमित यानी कानूनी तौर पे भी और आत्मार्पित करते हैं यानी आत्मा को आत्मा अपने दिल और जान से है ना तन और मन से क्या करते हैं इस संविधान को हम लोग आत्मार्पित करते हैं और क्या करते हैं इसको तब जाके इस प्रस्तावना को क्या किया गया लागू किया गया और हमारा संविधान भी 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था लागू हुआ था ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि संविधान के कुछ ही पार्ट को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से ना, क्योंकि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं पता है ना, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं संविधान दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस याद रहेगा ठीक है। ये रहा हमारे संविधान की प्रस्तावना, सबको समझ में आया कि नहीं बताओ मजा आया कि नहीं आया।